नमस्कार दोस्तों, इस वाली वीडियो का टॉपिक है सोलर स्ट्रीट लाइट। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा मेरे पास देख सकते हैं, ये सोलर स्ट्रीट लाइट का ल्यूमिनर है और मुझे यकीन है कि आप भी सोलर स्ट्रीट लाइट के बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो कम से कम आपने सोलर स्ट्रीट लाइट्स को देखा ज़रूर होगा, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड अलोन सोलर सिस्टम। आप जहाँ चाहें, जिधर चाहें, इस सिस्टम को लगा के अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। इस सिस्टम में वायरिंग का झंझट भी नहीं है, और ये सिस्टम शाम को खुद ही ऑन होता है और दिन होते ही ये बंद भी हो जाता है। मतलब कि इसमें ऑन ऑफ करने की भी कोई झंझट नहीं होती। अब ये सोलर स्ट्रीट लाइट में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, कौन कौन से एमएनआरई स्पेसिफिकेशन है, और क्या इस सेक्टर में भी चाइनीज़ मॉडल्स आ चुके हैं, और इन सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे ये सिस्टम बनाए जाते हैं, कैसे इनका सर्टिफिकेशन होता है, साथ ही में इनका क्या रेट होता है, और मुद्दे की बात कि भाई सोलर स्ट्रीट लाइट का बिज़नेस कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों यही सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब चूंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं, तो ऑब्वियस ये बात है कि भाई ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें और ये सोलर स्ट्रीट लाइट की पूरी राम कहानी समझें और अपने प्रोडक्ट बास्केट में इसे ज़रूर ऐड ऑन करें। तो चलिए अपनी वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये सोलर स्ट्रीट लाइट की पूरी राम कहानी समझ लेते हैं। तो पहली बात तो आपको बता दूं कि भाई ये जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। ये जब हमने इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था तब भी अवेलेबल था, यानी कि 30 साल पहले भी अवेलेबल था, आज भी अवेलेबल है और आगे आने वाले दिनों में भी अवेलेबल रहेगा। द ओनली थिंग इज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ आप खुद ही देख सकते हैं कई चेंजेस आ चुके हैं। पहले वाले जो स्ट्रीट लाइट्स होते थे उसमें CFL और कुछ कुछ मॉडल्स में तो SOX वाले लैंप्स, यानी कि सोडियम वेपर लैंप्स भी आते थे। और आपने भी देखा होगा तब बड़े बड़े, यानी कि जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बड़े बड़े बैटरी बैंक भी हुआ करते थे। आज की डेट में चूंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, ये पूरा पूरा सिस्टम, या कहते कि भी पूरा पूरा स्ट्रीट लाइट एक छोटे से किट में आ चुका है। यहाँ पे आप जैसा मेरे हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पे LEDs का इस्तेमाल हुआ है और साथ ही में यहीं पे बैटरी बैंक भी है। ये जो बैटरी बैंक है, ये इसे मैं खोल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरीज इस्तेमाल की गई हैं। तो बड़े वाली जो बैटरीज होती थी, यानी कि 1240, 1280, 1275, 1110 की जगह पे आज की डेट में ये छोटे वाले लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरीज आज की डेट में सोलर स्ट्रीट लाइट में इनबिल्ट आ रही हैं। यानी कि ये जो टोटल जो है, ये बस इतना ही है और इसके साथ एक सोलर मॉड्यूल लगता है। अब वो बड़े बड़े बैटरीज का ज़माना खत्म। तो मोटा मोटी सोलर स्ट्रीट लाइट में चार बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है खंबा, यानी कि जो पोल होता है, दूसरा होता है ल्यूमिनर, और तीसरा होता है बैटरी। अब चूंकि ल्यूमिनर और बैटरी एक साथ आ गए हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड इसे ही पकड़ लेते हैं, और चौथा होता है आपका सोलर मॉड्यूल। जी हाँ दोस्तों, ये चारों कंपोनेंट्स मिलके एक सोलर स्ट्रीट लाइट बनाते हैं, और इनका प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन भी होता है और सर्टिफिकेशन भी होता है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई सोलर स्ट्रीट लाइट तो ठीक है, लेकिन इसका धंधा कहाँ से मिलता है, या फिर इसका बिज़नेस कहाँ होता है, या फिर इसकी डिमांड कहाँ से होती है, हम इस प्रोडक्ट को आखिर किसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी मैं आपको बताऊँगा, अपने कुछ टिप्स भी दूंगा, बट थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा ही होगा। आपको भी मालूम है कि भाई हम यहाँ पे सीधी बात बताते हैं, कोई भी बकवास नहीं करते। फिलहाल ये स्ट्रीट लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके सामने मैंने MNRE स्पेसिफिकेशन के स्ट्रीट लाइट के ल्यूमिनर भी आपको दिखाऊंगा, और साथ ही में ये चाइनीज़ जो ल्यूमिनर्स मार्केट में अवेलेबल है, इसको भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको चाइनीज़ वाला दिखा देता हूँ। क्या है कि भाई यहाँ सब कुछ आपको सुंदर दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही स्लीक मॉडल है, और इसमें अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें मोशन सेंसर भी है, और आज की डेट में तो CCTV वाले भी आ चुके हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइटिंग है, यानी कि LEDs लगे हुए हैं, यहीं पे उसका बैटरी बैंक है, और यहाँ पे उसका मॉड्यूल लगा हुआ है। और वहीं अगर हम वजन की बात करें तो ये एज़ कम्पेयर टू MNRE ये हल्का भी है, क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि भाई इसमें बैटरी बैंक भी छोटा है और जो मॉड्यूल साइज़ है वो भी छोटा है। फिलहाल जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चाइनीज़ सोलर स्ट्रीट लाइट के ल्यूमिनर का स्पेसिफिकेशन है, 20 वॉट और 40 वॉट का, जहाँ पे बैटरी का स्पेसिफिकेशन दे रखा है 3.7 वोल्ट्स, 6 AH की बैटरी इस्तेमाल हुई है 20 वॉट के,
ल्यूमिनेट के साथ, और चार्जिंग पावर यानी कि जो मॉड्यूल्स की बात की गई है जो इसके अंदर इनबिल्ट है दैट इज़ 6 वोल्ट 6 वॉट का। और वारंटी की अगर बात करें तो 3 ईयर्स की वारंटी दे रखी है, और लाइटिंग टाइम की अगर हम बात करें तो 48 आवर्स का इसमें लाइटिंग टाइम बता रखा है। तो मोटा मोटी अगर हम इसे फिजिकली देखें और अगर हम फीचर्स की बात करें तो नो डाउट इसमें फीचर्स फुल्ली लोडेड है, और ये वाला जो स्ट्रीट लाइट है वो आपका रिमोट के साथ भी आता है। अब मैं आपके लिए एक ये ऑन भी करके दिखा देता हूँ, ये इसको यहाँ पर एक ऑन ऑफ बटन है, ये ऑन कर दिया। साथ ही में आपका ये रिमोट वाला फीचर भी है, रिमोट से भी आप इसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि भाई चाइनीज़ फीचर्स के मामले में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात बहुत कॉमन है कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और जहां तक रही गारंटीज़ वारंटीज़ की बात तो आप उसके ऊपर ज़्यादा बहस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ल्यूमिनेयर में ये मॉड्यूल भी उसी में फिक्स्ड है, और हमें भी मालूम है कि जो सोलर सिस्टम में जो मॉड्यूल्स होते हैं वो साउथ को फेस किए जाते हैं, यानी कि साउथ डायरेक्शन में इसे ऐसे लगाया जाता है। तो सपोज़ कीजिए कि भाई आपकी सड़क, अभी सपोज़ मैं आपको बता दूँ कि भाई सपोज़ आपकी सड़क कुछ इस तरीके से है, ये आपकी सड़क है और साउथ डायरेक्शन उस तरफ है, मतलब कि साउथ डायरेक्शन उस तरफ है, तो आप ये खंबा अगर ऐसे लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई धूप यहाँ से तो पड़ेगा नहीं क्योंकि साउथ डायरेक्शन उधर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाती है कि भाई ऐसे वाले ल्यूमिनर्स का एप्लीकेशन वहीं पे सक्सेसफुल है जहाँ पे आपका सड़क, जहाँ पे आपको क्लियर साउथ डायरेक्शन मिल रहा हो, मतलब कि अगर साउथ वहाँ पे है, सड़क इस तरह से कुछ जा रही है तो आप इसे यहाँ पे लगा सकते हैं, और आपको सड़क के इस कोने में लगाना पड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो सोलर स्ट्रीट लाइट चलेगा नहीं। तो ऐसे वाले मॉडल्स में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फिलहाल ये वाले मॉडल्स के साथ साथ आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं नए वाले मॉडल्स भी आ चुके हैं जहाँ पे ल्यूमिनेयर अलग है और मॉड्यूल अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक ही चीज़ का डाउट आता है, दैट इज़ स्पेसिफिकेशन। 6 वॉट का मॉड्यूल, 6 AH की बैटरी और LED 20 वॉट का, क्या ये 48 आवर्स का बैकअप दे पाएगा? फिलहाल मार्केट में तो चाइनीज़ ल्यूमिनेयर्स छाए हुए हैं और बिक भी रहे हैं, बट वहीं अगर हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स या फिर CPWD, PWD, रेलवेज़, वन विभाग, जल विभाग या फिर कह दें कि भाई कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का कोई भी स्कोप नहीं है, या फिर कह दें कि भाई इसका डिमांड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे MNRE स्पेसिफिकेशंस की बात होती है। तो आइए मैं आपको अब MNRE स्पेसिफिकेशंस के जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स के जो ल्यूमिनर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये MNRE स्पेसिफिकेशन वाला सोलर स्ट्रीट लाइट का ल्यूमिनर है, दैट इज़ फ्रॉम रोशनी सोलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लो बैटरी का एक इंडिकेटर है, एक LED यहाँ पे है और एक चार्जिंग का इंडिकेटर है, और ये जो है LED है ये 12 वॉट्स की है, और उसी तरह 18 वॉट का ल्यूमिनर आता है। तो टोटल MNRE में 2 स्ट्रीट लाइट्स हैं जिसका स्पेसिफिकेशन उन्होंने रिलीज़ कर रखा है। इसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो ये मेटालिक बॉडी में है और ये आपका कास्टिंग वाला मटेरियल है, और वहीं अगर हम चाइनीज़ की बात करें तो ये ABS मटेरियल है, ये भी आपका MNRE वाला है तो ये कास्टिंग वाला मटेरियल है। और अगर हम इसके बैटरी बैंक की बात करें तो बैटरी बैंक भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसके अंदर का कारोबार कैसे होता है। तो ये पूरा आपका मेटालिक बॉडी है, ये इस चूँकि इसके आगे LEDs लगे हुए हैं तो ये प्रॉपरली ये प्रॉपर हीट सिंक है, हाँ, जो कि LEDs को ज़रूरत होती है। और साथ ही में ये इसके अंदर ये जो पूरा इन्क्लोज़र है ये IP56 है, और हाँ यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, और जैसा कि हमें MNRE स्पेसिफिकेशन में भी मालूम है कि भाई जो बैटरी बैंक होना चाहिए वो 12.8 वोल्ट्स का होना चाहिए, तो यहाँ पे जो ये बैटरी बैंक है ये 12.8 वोल्ट्स का है, और AH यानी कि एम्पेयर आवर्स की बात करें तो ये 36 AH की बैटरी है। और साथ ही में ये वाला पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये BMS है, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। आपके लिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा होता है ये BMS, इसके अंदर जितने भी सेल्स लगे होते हैं, हाँ, ये जो लिथियम फेरोफॉस्फेट का जो बैटरी बैंक है इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, आप 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे ये सेल्स लगे हुए हैं, और इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया गया है, और उसके बाद उसे 12 वोल्ट्स 36 AH का पूरा बैटरी बैंक बनाया गया है। तो हर सेल प्रॉपरली चार्ज हो और वहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन्ड हो और आपको प्रॉपर बैकअप मिले तो उसके लिए ये BMS लगाया जाता है। अब जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके लिए मैं एक MNRE स्पेसिफिकेशन का 12 वॉट्स का जो वाइट LED स्ट्रीट लाइट का जो ल्यूमिनेयर है उसका स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है PV मॉड्यूल
75 वॉट पीक का स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। तो जो मॉड्यूल होना चाहिए 75 वॉट पीक का होना चाहिए, बैटरी 12.8 वोल्ट्स की होनी चाहिए और 30 एएच की कैपेसिटी लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा 36 एएच की बैटरी थी, तो ये भी उसे क्वालिफाई करता है। और लाइट सोर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है वाइट लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडी जो इस्तेमाल होनी है वो वाइट होनी है, जिसका मिनिमम ल्यूमेंस अगर हम बात करें तो वो 135 ल्यूमेंस होना चाहिए। तो ये पूरा स्पेसिफिकेशन एमएनआरई रिलीज़ करती है, और आपको अगर अच्छे स्ट्रीट लाइट्स लेने हैं तो आपको इन्हीं स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना चाहिए। क्या है कि भाई ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये बड़े बड़े लोग, यानी कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में कई दिनों से काम कर रखे हैं, वही लोग मिलजुल के बनाते हैं। और हाँ, एक छोटा सा आपको टिप देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है, एक बेसिक कैलकुलेशन है, ये 1:2:3 रेशियो में है, यानी कि जो इसका एलईडी है वो 1 पकड़िए, उसका जो बैटरी बैंक है उसे 2 पकड़िए, और जो मॉड्यूल है उसे आप 3 पकड़िए। यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वो 12 वॉट्स का है, 12 का डबल कर दिए यानी कि 24। तो यहाँ पे जो बैटरी इस्तेमाल करने का बताया गया है वो 30 एएच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 एएच लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 36 प्रोवाइड किया गया। और साथ ही में ये जो मॉड्यूल्स होते हैं वो 75 वॉट पीक के इस्तेमाल करने होते हैं एज़ पर एमएनआरई स्पेसिफिकेशन, या कह दें कि एमएनआरई गाइडलाइंस। तो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल में भी आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मॉडल नंबर है पी मैक्स इज 75 वॉट पीक। तो आपको ये देखना कि भाई आपका जो मॉड्यूल है वो कितने वॉट पीक का है, तो वो होना चाहिए 75 वॉट पीक का। तो यहाँ पे एमएनआरई स्पेसिफिकेशन में जो बात की गई है वो 12 वॉट्स का एलईडी है, 30 एएच की बैटरी है और 75 वॉट पीक का मॉड्यूल है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कुछ सही बैठता है और आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट है या जो बैकअप है वो मिलेगा ज़रूर। और वहीं अगर हम चाइनीज़ की बात करें तो आपने खुद ही देखा कि भाई वहाँ पे 20 वॉट पीक का तो एलईडीज़ लगा रखी हैं, 6 एएच की बैटरी और 6 वॉट का आपका मॉड्यूल है। तो यहाँ पे कुछ डाउट होता है। फिलहाल चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं और आगे भी बिकेंगे, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए जाना है या नहीं। हाँ, जहाँ पे सिर्फ नाम के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है या फिर फीता काटने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे चाइनीज़ सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। बट जहाँ पे सही में काम की बात होगी या फिर कह दें कि भाई गवर्नमेंट ऑर्डर्स या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ की बात होती है, वहाँ पे एमएनआरई स्पेसिफिकेशन या फिर सर्टिफाइड मॉडल्स की ही डिमांड होती है। अब ये आपका फैसला है कि भाई आप चाइनीज़ सोलर स्ट्रीट लाइट्स के साथ जाएंगे या फिर एमएनआरई के जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स के स्पेसिफिकेशन है आप उनके साथ जाएंगे। अब मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भाई आखिर इन सिस्टम्स का डिमांड कहाँ होती है, कौन इसे खरीदता है, या फिर कह दें कि भाई इसका बिजनेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई स्ट्रीट लाइट्स की डिमांड आज से 30 साल पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडअलोन सोलर सिस्टम। और आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट के जो नंबर्स होते हैं वो 100 में होते हैं, 200 में होते हैं और कई कई केसेस में तो हज़ारों में होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये आपके शहर में हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर कह देंगे भाई डिफेंस सेक्टर में ये बहुत अच्छी तरह चलता है। ना सिर्फ ये सरकारी डिपार्टमेंट में आज की डेट में चल रहा है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। द ओनली थिंग इज़, आपको ये प्रोडक्ट अगर पिच करना है तो आप इसे 2 पॉइंट्स पे ज़रूर पिच कीजिए। एक तो है सेफ्टी, दूसरा है कन्वीनियंस, और ये दोनों मुद्दे आपके ज़रूर हिट होंगे। क्या है कि भाई हम सबको मालूम है कि भाई सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अब भले ही वो इंडिविजुअल हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि कन्वीनियंस, तो किसी भी प्रोडक्ट में ज़्यादा तकलीफ ना हो या कम से कम तकलीफ हो वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है। और आपको ही मालूम है कि भाई सोलर स्ट्रीट लाइट में आपको कोई वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस के नाम पे बहुत ही कम मेंटेनेंस है और ये सिस्टम शाम होते ही खुद ही ऑन हो जाएगा और जैसे ही सुबह होगी वो खुद ब खुद ऑफ भी हो जाएगा। फिलहाल आज की डेट में यहाँ पे मोशन सेंसर्स वाले भी सोलर स्ट्रीट लाइट्स आ रहे हैं। और हाँ, आप में से कई लोगों ने अभी तक समझ ही लिया होगा कि भाई ये जो ल्यूमिनर है इसका जो केसिंग है ये किसी का है, बैटरी है वो किसी का है, एलईडीज़ हैं वो किसी के हैं और ये जो मॉड्यूल्स हैं वो भी कोई बना रहा है। तो इन सब का असेंबली करके एक अगर आप सर्टिफिकेशन करवा लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं ये रोशनी सोलर का सर्टिफिकेशन है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इंडिया में टोटल 5 NABL के टेस्टिंग सेंटर्स हैं। आप इनमें से किसी भी टेस्टिंग सेंटर में अपने स्ट्रीट लाइट की टेस्टिंग करवा लीजिए और जैसा कि रोशनी सोलर ने अपना टेस्टिंग सर्टिफिकेट निकलवाया, आप ये टेस्टिंग सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए और जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं
या जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप उसमें एम्पैनल हो जाइए, आपको ऑर्डर ज़रूर मिलेगा। यहाँ दोस्तों एक और बार आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपको सोलर स्ट्रीट लाइट सेगमेंट में काम करना है तो आप ये सोलर स्ट्रीट लाइट खुद भी असेंबल करा सकते हैं, उसका टेस्टिंग करवा सकते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या एनजीओज या प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि भाई सोलर स्ट्रीट लाइट्स के ऑर्डर्स हर साल निकलते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो हज़ारों में भी निकलते हैं। इनफैक्ट मेरे कई दोस्त तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ सोलर स्ट्रीट लाइट्स में ही काम करते हैं और साल में 2-3 ऑर्डर्स ही उनका मेन टारगेट रहता है। और एक और अच्छी बात है कि भाई सोलर स्ट्रीट लाइट्स आज की डेट में जेम, जी हाँ दोस्तों, जेम पोर्टल पे भी बिकता है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इन प्रोडक्ट्स को खरीदती है, तो पहले एक पोर्टल हुआ करता था, दैट वॉज DGSND। तो DGSND का ही अभी नया नामकरण हो चुका है, दैट इज़ जेम। तो आप इन सिस्टम्स का वहाँ पे भी लिस्टिंग करा सकते हैं और जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं आप वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। फिलहाल अगर आपको स्टार्टअप करना है या इनिशियल के कुछ ऑर्डर्स लेने हैं या फिर सोलर स्ट्रीट लाइट में कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से रोशनी सोलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस देंगे कैसे टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, और साथ ही में आपको प्रोडक्ट और उसके इंस्टॉलेशन में भी आपकी मदद करेंगे। लास्ट में एक पॉइंट रह जाता है, दैट इज़ प्राइजिंग। आप में से कई लोग हमेशा यही बोलते हैं कि भाई आप प्राइजिंग बताते नहीं हो। तो दोस्तों प्राइजिंग ना बताने का एक ही रीज़न होता है कि भाई प्राइजिंग डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो है मॉडल, आप कौन सा मॉडल लेते हो, क्या है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। दूसरा है कि आप कितनी क्वांटिटी में लेते हो, क्या है कि भाई क्वांटिटी के ऊपर भी प्राइजिंग डिपेंड करता है, और साथ ही में आप कहाँ पे ले रहे हो। ये प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये प्रोडक्ट का बेंचमार्क कॉस्ट है कुछ 13,000 के आसपास आपको दिख रहा है, बट आप इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए कि भाई आपको 13,000 में ही हर जगह मिलेगा, और कुछ जगहों पे आपको इससे ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है। द ओनली थिंग इज़ 3 फैक्टर्स, कौन सा मॉडल ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं और कहाँ पे ले रहे हैं। और इसी कारण से मैं अपनी वीडियोज़ में प्राइजिंग बताना अवॉइड करता हूँ। क्या है कि भाई यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, किधर है, ये सब बता दूँगा। आप भी तो कुछ काम कीजिए, आपको सब कुछ तो बता दिया है, आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर या फिर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करना है और उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग सुनिश्चित करनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इन्जॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।